अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च किया। यशोभूमि की बात करें तो दिल्ली के द्वारका में बना दुनिया का ये सबसे बड़ा मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर में से एक होगा और ये यशोभूमि का पहला चरण है। पहले चरण में 73,000 स्क्वायर मीटर में 15 कन्वेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं, जबकि ये कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर करीब 8,90,000 स्क्वायर मीटर इलाके में बनकर तैयार होने वाला है, जो कि भारत मंडपम से भी बड़ा होगा और इसमें किसी भी बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। और उसी सेंटर में आज एक बेहद अहम महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जब वो खुद यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे हुए थे और बताया यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पूरी दुनिया इसकी खासियत को महसूस करेगी। और आज जबकि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इससे पहले भारत मंडपम इसी तरह का एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जब G20 के मौके पर दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी थी और उसके बाद अब एक वैसा ही यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीक और विज्ञान के दीवाने हैं और बहुत ही शुरुआत से उन्होंने इसे विकास का इंजन भी माना है। पीएम मोदी ने इसी की बदौलत गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात में तब्दील भी किया और जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा भी दिया और विज्ञान और तकनीक की बदौलत आज भारत उस ऊंचाई तक पहुंचा है जब हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु की भूमिका हासिल करने लगा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अब राह में तेजी से भारत आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। आज विज्ञान और तकनीक देश की रीढ़ है। देश के विकास और नागरिकों तक सुविधाएं तेजी से पहुंचाने में तकनीक की बड़ी भूमिका रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के इस मंत्र को सालों पहले ही समझ चुके थे। यही वजह है कि जब उन्होंने जनता को खुद को समर्पित किया, उसी समय से आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ गए थे। पुरानी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवा मोदी अपने भाषणों को डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया करते थे। मकसद था कि जहां मोदी नहीं पहुंच पाते थे, वहां भी उनकी आवाज पहुंच जाए। इतना करोड़ों लोगों का मन सदा भय पैदा करवानो योजनाबद्ध प्रयास चल रहे। क्यारे गौरी ना नामे क्या गजनवी ना नामे जात जात ना मिसाइल ना प्रयोगों करीने भारत ने भयभीत करवा माकेनो योजना पूर्वक प्रयास चाले। नरेंद्र मोदी तकनीक को अपनाने में अपने समय के राजनेताओं से कहीं आगे थे। कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से लेकर अत्याधुनिक गैजेट्स तक, मोदी की तस्वीरों में उनका तकनीक प्रेम नजर आता है। लास्ट जोग में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी बाथरूम धड़ाके चल रहे थे। तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से सियासी कार्यक्रमों में किया जा सकता है, इसकी वानगी तब देखने को मिली जब नरेंद्र मोदी की सोच से एकता यात्रा के दौरान आखिरी वाहन तक संदेश पहुंचाने के लिए कैसेट पर संदेश रिकॉर्ड किया जाता और उसे अगले वाहन और अगले वाहन से भेजते हुए आखिरी वाहन तक पहुंचा दिया जाता।
और इस तरह से नरेंद्र मोदी के संचालन में लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुनिए, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को तकनीक से जोड़ने का काम किया मोदी ने। मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में तकनीक के इस्तेमाल से बड़ा बदलाव किया। 2001 में सीएम बनने के साथ अपने पहले ही दिन उन्होंने 10 जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। हूं भारत मां, और तो उनकी शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण इंटरनेट पर हुआ। समर्थन करी। गुजरात में पहली बार चेक डैम और वाटर कंजर्वेशन के लिए सैटेलाइट डेटा और 3D इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया। हमारा अप्रोच ये रहा है कि सब काम हम जन भागीदारी से करेंगे, हर काम में जनता को जोड़ेंगे, जनता के माध्यम से करेंगे, और उसके कारण हमें रिजल्ट्स में मिरेकल हुए हैं। मित्रों, आज वाटर मैनेजमेंट के संदर्भ में स्वयं भारत सरकार गुजरात के प्रयोगों को अन्य राज्यों में करने के लिए प्रेरित कर रहा है, करीब 1.5 लाख चेकडैम बनाए। गुजरात के शासन को कागज मुक्त किया, स्वागत नाम से अभियान शुरू किया, शासन के काम में पारदर्शिता बढ़ाई, ई गवर्नेंस पर UN से पुरस्कार भी जीता, ई ग्राम से गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया, पंचायत तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पहुंचाई, आपदा प्रबंधन में GIS का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग से तेजी से प्रतिक्रिया में मदद मिली, सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा का सिस्टम। हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे जाना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है, और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने डिजिटल इंडिया पर फोकस किया और तकनीक के आधार पर शासन के संचालन के मोदी के प्रण से भारत के 1 अरब से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। पीएम मोदी के तकनीक प्रेम ने देश के विकास को पंख लगा दिए। डिजिटल इंडिया अभियान मोदी के शासन में हर एक पहल के लिए अहम बने और भारत सरकार के काम करने का तरीका ही बदल गया। बायोमेट्रिक आधारित आधार परियोजना, आधार से सरकारी सेवाओं को जोड़ना, सब्सिडी और पेंशन को सुव्यवस्थित किया, DBT से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, जन धन योजना से हर परिवार के पास बैंक खाता, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान अभियान, कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया, भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में सबसे आगे। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। पहले से तैयार डिजिटल व्यवस्था ने कोरोना काल में देश की बहुत मदद की। वैक्सीन लगाने से लेकर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए संपर्क ट्रेसिंग और टेली मेडिसिन के जरिए घर पर बैठे ही इलाज की सुविधा मिली, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की देखभाल को सुनिश्चित किया। पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसकी कई वजहों में शामिल है, एक बड़ी वजह उनका सोशल मीडिया और संचार माध्यमों के जरिए लगातार जनता से जुड़े रहना, और इसकी शुरुआत उन्होंने उसी समय से शुरू कर दी थी जब इंटरनेट पर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ था। आज पीएम मोदी दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेताओं में से एक हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 14 पत्रकारों के बहिष्कार के फैसले पर ऐतराज जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पत्रकारों के साथ हैं और